टाइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। औरैया में दूरदर्शन केंद्र से संचालित हुआ हाईटेक एफएम सेंटर, केंद्र में 100 वाट का हाई पावर एफएम ट्रांसमीटर लगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। यूपी के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट, कानपुर में तेज आंधी और बारिश, आगरा में भी देर रात तेज हवाएं चली। नोएडा में युवक ने लाइक के लिए फेसबुक लाइव पर जहरीले पीने का नाटक, आधी रात अमेरिका में दिल्ली को मिला अलर्ट, नोएडा पुलिस घर पहुंची तो सोता मिला छात्र। गोरखपुर में कामाख्या एक्सप्रेस से 3 करोड़ का सोना जब्त, 2 तस्कर 5 किलो गोल्ड के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। अतीक के ऑफिस में मिला खून शाहरुख का है, पुलिस बोली दफ्तर में सोने गया था, हाथ में सरिया लगने से निकला ब्लड। वाराणसी के अस्पताल की टंकी में मिली सड़ी गली लाश, शव निकालने के लिए एनडीआरएफ टीम को बुलाया गया, हॉस्पिटल में की टंकी पानी पी रहे थे। पांच साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की इंतहा, शरीर को नाखूनों से नोचा, मुंह दबाकर मार डाला था, मां बोली मेरी बच्ची बहुत तड़पी होगी। अलीगढ़ के सेंट्रल बैंक में खातों से रुपया गायब, ग्राहकों ने बैंक के बाहर किया हंगामा, बैंक मैनेजर और हेड कैशियर सस्पेंड, एफआईआर। सरकारी नौकरी पाने के लिए पति को मार डाला, शव पर सिर रखकर घंटों रोती रही, प्रेमी के जाने के बाद हल्ला मचाया। महिला को जबरन खिलाया जहर, इलाज के दौरान हुई मौत, बेटे के विवाह की तैयारी कर रही थी महिला, पड़ोसियों ने घर में खींचकर खिलाया जहर, पुलिस कर रही है तलाश। सीएम आवास के बाहर आग लगने वाले की हालत गंभीर, 50% जली बॉडी, परिजन देखते नहीं आए, सफीरपुर विधायक को गोली से उड़ाने की धमकी दी थी। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित 3 लोग दोषमुक्त, भाजपा नेता ने सपा नेताओं पर थाने में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ का आरोप लगाया था। हसनपुर में दबंग ने बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटा, जमीन बेचने को बना रहा था दबाव, मना करने पर हो गया हमलावर। G20 सम्मेलन को देखते हुए शहर को सजाने संवारने के कार्य तेजी से हो रहे हैं, सभी प्रमुख मार्गों पर लगे पोल पर ट्राईकलर के स्ट्रिप लगेंगे। इटावा के मोती झील तालाब में लगी आग, तालाब के बगल में जिला अस्पताल के इमरजेंसी होने से मचा हड़कंप। नलकूप में युवक की धारदार हथियार से हत्या, युवक के चेहरे व पेट पर मिले गहरे जख्म, चारपाई पर पड़ा था खून से लथपथ शव। शाहजहांपुर में पकड़ी गई अवैध शस्त्र फैक्ट्री, 3 से 4 हजार रुपए में बेचता था तमंचे, नगर निगम कार्यालय के पास चल रही थी फैक्ट्री। झांसी में रेप का आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार, बीमार पति का इलाज कराने गई से महिला से किया दुष्कर्म। मुरादाबाद में पुराने कपड़ों में गोदामों में लगी आग, आधी रात 5 फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद में कैशलेस कार्ड बनाना हुआ आसान, पोर्टल पर प्रक्रिया का वीडियो उपलब्ध।
अमरोहा के धनौरा में मकान की छत पर मिला युवक का शव। बदबू आने पर लोगों को हुई जानकारी, किराए पर ले रखा था कमरा। मुरादाबाद में बुजुर्ग ने किया सुसाइड, मां बेटी बरेली गए थे, वापस आकर देखा तो फंदे पर लटका मिला पति का शव। बिजनौर में निकाय चुनाव का प्रचार हुआ तेज, प्रत्याशियों ने अंतिम दौर में झोंकी ताकत, जनसंपर्क कर वोटरों को लुभाने की कोशिश। अमेठी के शातिर अपराधी के 27 लाख की प्रॉपर्टी कुरकर राजकुमार सोनी के प्रयागराज में बने घर पर चस्पा किया गया नोटिस, प्लॉट और बाइक भी सीज कर दिया गया। कलान में रामगंगा नदी में पलटी ट्रैक्टर ट्राली, पानी में बह गया 50 क्विंटल गेहूं, दिनरात एक कर किसान ने आवारा पशुओं से भी की थी रखवाली। नोएडा में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, परिजनों का आरोप, शादी के बाद से बेटी को ससुराल वाले परेशान कर रहे थे। कन्नौज में एक्सप्रेसवे पर दो कारें डिवाइडर से टकराई, हादसों में दो परिवारों के 8 लोग घायल, एक परिवार दिल्ली का तो दूसरा बिहार का रहने वाला है। एक हजार चोरी के शक में किशोर की पिटाई, प्रयागराज में दुकानदार ने बीच रास्ते चप्पल व लोहे की रॉड से पीटा। फिरोजाबाद जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, मरीजों के बढ़ने से इलाके में मचा हड़कंप। रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक, जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार में जनता परेशान है। डीजीपी के सख्ती के बाद भी उन्नाव में साप्ताहिक परेड, एसपी ने किया निरीक्षण, टर्नआउट मेंटेन करने के निर्देश, पुलिसकर्मियों ने लगाई दौड़। और औरैया में रॉयल फर्नीचर में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गाजियाबाद में अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर बीजेपी विधायक का बयान, बीजेपी विधायक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के मामलों में अगली तारीख 6 मई को एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में आ रहा है फैसला। हरदोई में आवास के नाम पर ग्राम रोजगार सेवक ने मांगा रिश्वत, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। कानपुर में सड़क पर पढ़ी गई ईद की नमाज, 2000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। लखनऊ में निकाय चुनाव के मद्देनजर किया गया फ्लैग मार्च, इस दौरान जनता से किया गया संवाद। सीएम योगी गुरुवार को पहुंचे आगरा, जीआईएस मैदान में जनसभा को संबोधित किया। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन, बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सहारनपुर में नगर निकाय चुनाव का बजा चुनावी बिगुल, बीजेपी प्रत्याशी संजीव कर्णवाल ने किया जनसंपर्क। संभल में नगर पालिका परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज, सभी पार्टियां ने झोंकी अपनी ताकत। औरैया में दिव्यापुर से निर्दलीय प्रत्याशी का बयान, कहा सीट पर बैठते ही होगा संपूर्ण विकास।
निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का महाप्रचार, सीतापुर, बलरामपुर, गोरखपुर में सीएम रैली करेंगे। गोंडा में जिला अस्पताल की लापरवाही सामने आई, अस्पताल में नहीं है मरीजों के लिए स्ट्रेचर, मां को गोद में ले जाता हुआ दिखा बेटा। सपा को एक बार फिर लगा बड़ा झटका, सपा नेता अजय त्रिपाठी ने थामा बीजेपी का दामन। प्रयागराज में सपा प्रत्याशी कुलसुम बीबी के पति ने दिया बयान, कहा बीजेपी ने हंडिया नगर पंचायत को खोखला बना दिया। संभल में निकाय चुनाव को लेकर शफीकुर रहमान बर्क का बयान, कहा मैं पार्टी से डर कर कोई काम नहीं करता। तेजी से पूरा हो रहा है राम मंदिर का निर्माण कार्य, मंत्री सुरेश खन्ना ने किया ट्वीट, 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। श्रावस्ती में श्रम विभाग ने 6 बाल श्रमिकों को कराए कार्यमुक्त, विभाग ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, बाल श्रम न कराने को लेकर किया जागरूक। कानपुर में ऑपरेशन कावेरी के चलते सूडान से लौटे भारतीय दल का सचेड़ी में स्वागत, पन के एसपी निशांक शर्मा की अगुवाई में हुआ जोरदार स्वागत। कानपुर में डीसीपी सेंट्रल और दक्षिण एडीसीपी के नेतृत्व में इस्पात सेंटरों में बड़ी कार्रवाई की गई है, इस्पात सेंटरों ने डीसीपी सेंट्रल की टीम ने एक साथ अभियान चलाकर छापेमारी की है। पूर्व मेयर प्रत्याशी मीरावर्धन पहुंची सपा कार्यालय, सपा विधायक अरमान खान भी साथ में मौजूद थे। लखनऊ में लुटेरे पति पत्नी को हजरतगंज पुलिस ने दबोचा, फोन लूटने की कई घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम, पत्नी करती थी फोन बेचने का काम। सपा ने लोनी सीट से वापस लिया अपना नामांकन पत्र, सपा अस्मानी रालोद को दिया समर्थन, रजिता धामाई होंगे उम्मीदवार। निजी स्कूलों को वापसी करनी होगी फीस, जिला विद्यालय निरीक्षक ने भेजा स्कूलों को पत्र, कोरोना काल में अधिक फीस वसूलने का आरोप। लखनऊ के बाद अब कानपुर यूनिट ने 2 तस्करों को दबोचा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करने वाले गैंग के पास से 12 किलो चरस बरामद किया गया है। मुजफ्फरनगर में युवक की संदिग्ध मौत पर हंगामा, मृतक के शव पर बिजली से झुलसने के निशान, परिजनों का हत्या का आरोप। फरीदाबाद में डॉक्टरों पर लगा इलाज में लापरवाही का आरोप, पेट दर्द की शिकायत पर बच्चे को कराया गया था भर्ती, परिजनों ने किया एमएस हॉस्पिटल पर हंगामा। गोंडा में नहीं मिल रहा अस्पताल के मरीज को ले जाने के लिए स्ट्रेचर, मां को गोद में ले जाते दिखा बेटा। लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पुलवामा हमले का जिक्र किया। श्रावस्ती में युवक को बाइक सवारों ने बनाया निशाना, फायर करने के बाद बाइक सवार मौके से हुए फरार, एसपी प्राची सिंह ने कई टीमें गठित की हैं। बहराइच में तालाब में डूबे 2 किशोर, एक दोस्त की मौत, दूसरे को बचा लिया गया, नहाते समय गहरे पानी में चले गए थे। औरैया में 3 मंजिला की दुकान में बेसमेंट में लगी आग, दुकानदार को 3 बार दिया गया था नोटिस, लाखों का सामान जलकर हुआ राख।
एंटी करप्शन टीम ने रोजगार सेवक को रिश्वत लेते पकड़ा। हरदोई में पीएम आवास के नाम पर ले रहा था 20,000 रुपए। मेरठ में कूड़े के ढेर में लगी आग, 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर एसएसपी ने ली परेड की सलामी, पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों को शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए लगवाई दौड़। अयोध्या में बसाई जाएगी टेंट सिटी, जमीन के चयन का कार्य शुरू, पीपी मॉडल पर बनेगी टेंट सिटी। एटा में खेल खेल में झोपड़ी में लगी आग, 12 साल का किशोर जिंदा जल गया, बीड़ी चलाते समय चिंगारी के लपटों से सब खाक हो गया। सहारनपुर में कोरोना के 8 नए केस मिले, बिना गाइडलाइन के चुनावी रैलियों से बढ़ा कोरोना का खतरा। बीएचयू दे रहा बेशकीमती रत्नों का ग्लोबल सर्टिफिकेट, काशी में भारत का सबसे एडवांस जेम टेस्टिंग लैब, अब तक सिंगापुर जा रहे थे। तीन दिन बाद दुल्हन की हालत में सुधार, पिता और बहनोई ने पहले गला दबाया फिर केमिकल पिलाकर फेंका। मथुरा पुलिस मुठभेड़ में लुटेरों को लगी गोली, हरियाणा और मध्य प्रदेश में दर्ज है लूट के मुकदमे, स्कूटी और तमंचा बरामद हुआ। हाथरस में किसी प्रत्याशी ने नहीं लिया नामांकन वापस, 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, मुरसान और मेडू में निर्दलीय ने लिया नाम वापस। सड़क जाम करने पर 59 लोगों पर मुकदमा, चंदौली में सड़क हादसे में युवक के मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने लगाया था जाम। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में गंगा में नदी में डूबा युवक, गोताखोर करें तलाश, दोस्तों के साथ स्नान करने गया था। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।